तो यहाँ पर सवाल ये है कि इस बार का चुनाव किस चीज के लिए याद रखा जाएगा? क्या 2019 की चुनावी सियासत और चुनाव को याद किया जाएगा भाषा के सबसे निम्न स्तर के लिए, नेताओं की संवेदनहीनता के लिए? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो किसी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार नहीं किए जा सकते। और ममता बनर्जी ने एक बार फिर बंगाल में तानाशाही दिखाई है, क्यों दीदी को एक मजाक खुद के खिलाफ बर्दाश्त नहीं हुआ? और बीजेपी की रैली रोककर क्या ममता अपना गढ़ बचाना चाहती है? 30 सेकंड में पहले पूरी खबर को समझिए। 19 की बाजी, मोदी को गाली पर कैसा राजी? दरअसल बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि किसी को भी गाली तब दी जाती है जब वो गाली खाने का काम करता है। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी की कामयाबी और हार के डर से घबरा गई है मायावती। ममता बनर्जी का मीम बनाए जाने पर, व्यंग चित्र बनाए जाने पर गिरफ्तार की गई बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की याचिका पर अब कल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। और जादवपुर में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने से अमित शाह की रैली रद्द हो गई। रैली रद्द होने पर बीजेपी ने कहा कि इस बार बंगाल की जनता ममता बनर्जी को जवाब जरूर देगी। तेईस मई की लड़ाई, 13 मई को हारा गठबंधन। किसी भी व्यक्ति को गाली तभी दी जाती है जब वह गाली खाने का काम करता है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए मायावती की इस भाषा ने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल यूपी में 7वें और आखिरी चरण में भी वोटिंग होनी है और पीएम मोदी ने अलवर रेप पर कांग्रेस की राजस्थान सरकार से समर्थन वापसी की चुनौती मायावती को दी, तो वोट खिसकने के डर से बीएसपी अध्यक्ष ने सारी मर्यादाएं भुला दी। ये देश में अति पिछड़े वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए भी अपनी चुनावी जनसभाओं में ये भी कहते रहे हैं कि मैं अति पिछड़ी जाति का हूँ। ये वास्तव में जन्मजात अति पिछड़े वर्ग के नहीं है। राजस्थान में बहन जी आपके समर्थन से सरकार चल रही है और वहां दलित बेटी पे बलात्कार हुआ है, आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? समाजवादी पार्टी से गठबंधन से पहले अखिलेश यादव भी मायावती को बुआ कहकर ही बुलाते थे, लेकिन तब मायावती को एतराज नहीं था। लेकिन पीएम मोदी के बुआ बबुआ वाले संबोधन पर मायावती को आपत्ति है। अब हमें ये बुआ व बबुआ कहकर संबोधित कर रहे हैं जिनकी इन्हें यहाँ अपने संस्कारों व सभ्यता की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जो संस्कारी लोग हैं मुझे पूरे सम्मान के साथ केवल बहन जी ही पुकारते हैं, बोलते हैं। सपा बसपा के लोग अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए अब अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर भी उतारू हो गए हैं। हमें आश्चर्य होता है आज मोदी जी की जाति पूछी जा रही है। सवाल ये है कि क्या मायावती को यूपी में जातिगत समीकरण काम नहीं करने का अंदाजा हो गया है? क्या पिछड़ा वर्ग भी मायावती का साथ न देकर मोदी के लिए एकजुट होकर वोट डाल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।